तो स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। आज हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी। गोवा शिपयार्ड रिक्रूटमेंट 2021 का अनाउंस हुआ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पे गोवा शिपयार्ड रिक्रूटमेंट अनाउंस करा है 137 पोस्ट के लिए। यहाँ पे मैकेनिक, कमर्शियल असिस्टेंट, ईओटी क्रेन ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जनरल फिटर, अनस्किल एफआरपी लैमिनेटर, नर्स और टेक्निकल असिस्टेंट, कमर्शियल टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर भर्तियाँ हैं। ट्रेनी, खालसी, वेल्डर और स्ट्रक्चर फिल्टर के, तो वेरियस पोस्टों पे यहाँ भर्तियाँ हो रही है, कई पदों पे यहाँ पर भर्तियाँ हो रही है। लास्ट डेट जो है 4 जून है ठीक है, यहाँ पे 4 जून लास्ट डेट है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे देखिए आपका एक, मैं बता दूँ, गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है आपका इंडियन गवर्नमेंट ओन शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो कि आपकी वेस्ट कोस्ट में वास्को द गामा गोवा में है। और यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट को यहाँ पे मांगा गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्या एज लिमिट चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। पोस्ट का नाम है, देखिए पोस्ट यहाँ पे कई सारी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 137 है, 137 भर्तियाँ हैं। एप्लीकेशन जो आपकी ओपनिंग डेट है 4 मई है स्टार्ट हो गई है। क्लोजिंग डेट है जो 4 जून है। मोड जो है ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। जॉब लोकेशन पानाजी गोवा रहेगी, पानाजी कैपिटल है गोवा की ठीक है, सॉरी गांधीनगर है पानाजी गोवा की जॉब लोकेशन यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे आपकी ऑफिशियल साइट जो है goashipyard.in है ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बता दूँ, जनरल फिटर की 5 है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 1 है, कमर्शियल असिस्टेंट की 1 है, टेक्निकल असिस्टेंट की 10 है, अनस्किल्ड की 25 है, 25 है, एफआरपी लैमिनेटर की 5 है, ईओटी क्रेन ऑपरेटर की 10 है, वेल्डर की 26 है, स्ट्रक्चर फिल्टर की 42 है ठीक है। और यहाँ पे नर्स की 3 है, ट्रेनी खालसी की यहाँ पे 9 है। तो 137 यहाँ पर टोटल भर्तियाँ हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जो जनरल फिटर की आपके पास आईटीआई होना चाहिए फिटर का सीधे तौर पे। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। कमर्शियल असिस्टेंट के लिए आपके पास, देखिए यहाँ पे आपका डिग्री मांगी गई, किसी भी डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वर्ड ऑफ पावर पॉइंट पे ठीक है। तो कमर्शियल असिस्टेंट के लिए आपके पास ये मांगा गया है। वहीं आपका टेक्निकल असिस्टेंट के 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल शिप बिल्डिंग का या प्रोडक्शन का फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग में ठीक है। वहीं आपका एफआरपी लैमिनेशन के लिए आपके पास 2 साल का होना चाहिए डिप्लोमा शिपयार्ड बिल्डिंग इंजीनियरिंग में, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ठीक है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ईओन क्रेन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आईटीआई मांगा गया है सिंपल। वेल्डर के लिए आपकी आईटीआई होनी चाहिए अपनी वेल्डिंग से। स्ट्रक्चर फिटर के लिए भी आपके पास आईटीआई होनी चाहिए फिटर और जनरल शीट मेटल वर्क के लिए। नर्स के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, आपका मिनिमम 2 साल का आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए नर्सिंग मिडवाइफरी का। इसके बाद आपका ट्रेनिंग खालसी का आपके पास सिंपली 10th मांगी है यहाँ पे ठीक है, 12th मांगी है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके पास, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जनरल फिटर के 2 साल का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए 2 साल का, कमर्शियल असिस्टेंट के लिए 1 साल का, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे आपका अनस्किल्ड के लिए मिनिमम 1 साल का मांगा गया है, लैमिनेटर के लिए 2 साल का मांगा गया, क्रेन ऑपरेटर के लिए 2 साल का मांगा गया, वेल्डर के लिए 2 साल का मांगा गया, स्ट्रक्चर के लिए भी 2 साल का मांगा गया है। नर्स के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, किसी हॉस्पिटल में आपने काम किया हो ठीक है, या गवर्नमेंट के अंतर्गत काम किया हो। ट्रेनिंग खालसी के लिए भी आपका यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए शिपयार्ड का, आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज लिमिट 31/3 तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 33 साल तक रखी है, ओबीसी के लिए 36 साल और एससी के लिए 38 और 43 रखी गई है ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा, और पहले ही बता चुका हूँ जो आपका सिलेक्शन होगा, एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। वो आपको इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम कब होगा आपको मेल में बता दिया जाएगा, आपको ईमेल कर दिया जाएगा जो आप अप्लाई करोगे। स्टेप कैसे करना है आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, एप्लीकेशन लिंक मेंशन मैंने कर दिया है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको कैरियर में जाना पड़ेगा उस ऑफिशियल वेबसाइट के, GSL कैरियर वहाँ पे होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। अप्लाई नाउ करोगे, सारी डिटेल भरोगे, अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा 200 रुपये का इस पते के लिए, GMHR department.BR Ambedkar भवन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को द गामा गोवा ठीक है, 403802 यहाँ पे है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका लिंक ये रहा, देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है। जिन पदों के लिए आप भर्ती करोगे, मान लीजिए मुझे फिटर के लिए करना है, तो तब मैं फिटर में जाऊँगा, तो मैं ये फिटर के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस एरिया पर क्लिक करूँगा। तो इसी तरह अगर मैकेनिक के लिए करना था, अप्लाई मैं यहाँ पर करूँगा
तो आप जिस भी करना चाहते हैं उसको आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको देखना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप अप्लाई कर दोगे तो देखिए, मान लीजिए मैंने इसके लिए अप्लाई करा, ठीक है, यहाँ पर मांगेगा और इन्फॉर्मेशन आई एग्री, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे पूरे की पूरी डर रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। इसके बाद अपना आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पहला, तो रजिस्ट्रेशन जब कर देंगे उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसी से ही आप लॉगिन, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी मिलेगा, तो उसी से आप लॉगिन करेंगे अपना लॉगिन करने के लिए बात के लिए। तो इस तरीके से आपको उसको भरना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 200 रहेगी, आपको 14 जून से पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। गोवा शिपयार्ड की सैलरी के बारे में बता दूँ, देखिए जनरल फिटर के लिए 15,000 से लेकर 53,000 तक रहेगी, और सभी के लिए 15,100 से लेकर 53,000 तक की है, और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के 16,600 से लेकर, ठीक है, यहाँ पे 63,500 तक है, और अन्य स्किल के 10,100 से लेकर 35,000 तक है, तो 35,000 तक है। भाई लैमिनेटर के लिए 16,000 से लेकर 64,000 तक के बीच, और क्रेन ऑपरेटर के लिए 14,000 से लेकर 48,000 तक के बीच, और यहाँ पे वेल्डर के लिए 15,000 से 53,000 के बीच, स्ट्रक्चर फिटर के लिए 15,000 से 53,000 के बीच, नर्स के लिए 16,000 से 53,000 के बीच। ये जो आपका गैप है ये इसलिए रखा गया, आपका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन क्या है उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए।